डॉक्टर ऑन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जस्ट मिनट, तभी आ जाएं बच्चे, अभी पूरे नहीं आए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बिगनर। हाँ, म्यूट कर दिया मैंने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हुए नहीं अभी म्यूट, एक मिनट, अब म्यूट हो गए ना? नो सर, नहीं हुए। अब नो सर। नो सर, अभी नहीं हुए। सर, मैंने पूछ रहा था सर कि अपन, आपने जो ये बिगनर बॉक्स दिया है, वो उसके जो भी डाउट है, वो आप डाउट सेशन के दिन लोगे या अभी सेशन में बताएंगे? अब सॉरी सर, डाउट सेशन में। डाउट सेशन में। ओके सर, थैंक यू। एक दो अभी भी बता सकते हैं, देखते हैं अभी। सभी बच्चे आ जाएं। हाँ। चलो बच्चों, 47 स्टूडेंट्स हो गए, आ गए हैं, है ना? करीब 70 के आसपास हैं और आ रहे होंगे। अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिशा 27th बता दूं, है ना? ठीक है, मैं कुछ डाउट बता रहा हूँ, सारे तो नहीं बता पाऊंगा, है ना? अपनी कल डाउट क्लास है, उसमें आप निकाल के रख सकते हैं अगर जो डाउट आपके आज नहीं हो पाते हैं, है ना? आर्यमा आपके सारे हो गए, आपने सारे कर लिए हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मोहित के भी सारे हो गए हैं, ठीक है। ऑल आदित्य के भी सारे हो गए हैं। 27th किसने पूछा अभी? हाँ, डाउट क्लास की लिंक अलग से आएगी, मैं शेयर करूंगा। हाँ, दिशा ने, दिशा पाटीदार। हाँ, तो देखो, मैं एक 27th क्वेश्चन कर रहा हूँ बिगनर बॉक्स 1 का, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस, ठीक है? अभी मैं 27th क्वेश्चन कर रहा हूँ बिगनर बॉक्स 1 का, 27th, ठीक है? ओके, देखो 27th क्वेश्चन बिगनर बॉक्स 1, बहुत आसान है। x square plus 6x minus 7 upon x square plus 1 is less than or equal to, ठीक है? मैं 27th कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए, मैंने सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया है ना। कौन बोल रहा है 10th वाला नहीं हुआ? जस्ट मिनट, 10th वाला नहीं हुआ। तनिषा, आपने सॉल्यूशन में देखा उसको? एलसीएम ही तो लेना है सीधा, और सारे सॉल्व हो गए। अच्छा, तो मैं 27 कर रहा हूँ, फिर 10th करूंगा, ठीक है तनिषा? 27 कर रहा हूँ, फिर 10th करूंगा, ठीक है? 10th आसान है, आपने हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक की। हाँ, 27 देखो, जो वेविकर मेथड लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जीरो बनाते हैं, राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए, राइट, पहला काम। और इधर लीनियर फैक्टर होना चाहिए, तो इधर लीनियर भी नहीं है अभी, और यहाँ जीरो भी नहीं है, तो पहले लीनियर बना के फिर इधर लाए, तो टू को इधर ला सकते हैं एक काम। या फिर देख लो, ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो
तो फिर हमें टू को इधर लाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मालूम है कि सभी को एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव है. दिशा, दिशा पाटीदार, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव. रीजन मालूम है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव. ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव, राइट. तो ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं. अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह एक्स प्लस वन होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, टू को इधर ही लाना, राइट. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस, राइट. एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, सेवन को उधर कर दो, ये कैंसिल, कितना हो गया, सिक्स एक्स इक्वल इज लेस देन और इक्वल टू एट, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एट बाई सिक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू फोर बाई थ्री, माइनस इनफिनिटी टू फोर बाई थ्री क्लोज. समझ में आया क्या दिशा? टू मल्टीप्लाई होगा मतलब, हाँ मैंने ये मिस्टेक कर दिया ना, टू का मल्टीप्लाई नहीं किया ना, मैंने यहां पर वन समझ लिया, वन नहीं है टू है, यस माय मिस्टेक. ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूं, मैंने यहां पर वन रीड कर लिया, वन नहीं है टू है. तो फिर क्या चेंज आएगा, चलो हटा देता हूं, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेवन माइनस टू, है ना, हटा ही देता हूं, फिर से करता हूं पार्ट, है ना, मैंने टू रीड नहीं किया, वहां वन समझ लिया उसको. हाँ, ये समझ में आया क्या, वो मिस्टेक हो गई थी, देख लिया कि सभी ने टू का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो अब इधर ले आया सब टर्म को, सारी टर्म्स को, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन, माइनस का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर. हाँ, आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है यहां तक, पहले चेक कर लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. ठीक है, अब वेविकर मेथड लगा सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट थ्री है, थ्री से लार्जर नंबर लिया फोर, फोर पे पॉजिटिव आ रहा है ऊपर से आए, और फिर इस क्रिटिकल पॉइंट को कंटेन करने वाले फैक्टर की पावर इवन, हाँ तो क्या लिखूं आंसर, माइनस इंफिनिटी टू थ्री यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. इसी आंसर को आप चाहो तो एक्स बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते. दिशा समझ में आया क्या, ठीक है, ठीक है, नोट कर लें. हाँ, पहले मैं टेंथ कर रहा हूं चिराग, फिर नाइनटीन्थ की बात करते हैं. ये 27th हो गया सभी का, कंप्लीट हो गया 27th. हाँ तनीषा, मैं 10th कर रहा हूं, आपका डाउट
हाँ तनीषा टेंथ देख रहे हैं, हो गया ये सभी का कंप्लीट 27। हर्ष मंगलम हो गया आपका, वेट तब तक वेट करना। क्या बोले थे, हो गया। आदित्य बोल रहे हैं डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बस अब ये ज्यादा नहीं, टेंथ कर रहा हूँ उसका, नाइनटीन कर, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। बाकी अगर इसके बाद भी किसी के डाउट बचते हैं तो डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके टेंथ, टेंथ कर रहा हूं पहले। अनीशा देखेंगे 14x अपॉन x प्लस 1 माइनस 9x माइनस 30 अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन 0। ये क्वेश्चन 14x अपॉन x प्लस 1 माइनस 9x माइनस 30 अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन 0। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, LCM लेना है, x प्लस 1 x माइनस 4, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी करे। ठीक है, लेस देन, ठीक है, देखेंगे इसका इनटू इसमें 14x स्क्वायर माइनस 56x, 14x स्क्वायर माइनस 56x, अब इन दोनों का इनटू, तो 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9x माइनस 21x, तो प्लस 21 और माइनस 30 तो प्लस, है ना, कैलकुलेशन देख लें, 9x स्क्वायर हुआ तो माइनस कर दिया मैंने, फिर माइनस 30x प्लस 9x माइनस 21x, तो माइनस का इनटू प्लस 21x माइनस 30 प्लस 14 में से 9 गया 5x स्क्वायर, 56 में से 21, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3 प्लस 30, लेस देन 0, 5 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करो, है ना, दोनों साइड 5 से डिवाइड, प्लस 5 से डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चाहिए। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, x माइनस 1 x माइनस 6 लेस देन 0, यस, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, माइनस 1 1 4 और 6, हाँ देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई यहां तक कहीं कुछ, सब ऑड है, 6 से लार्जर पर पॉजिटिव, ऊपर से जाएगा कर्व, लेस देन 0, ये इंटरवल आएगा, ये इंटरवल आएगा, माइनस 1 टू 1 यूनियन 4 टू 6, लेस समझ में आया क्या? टेंथ क्वेश्चन तनीषा, तनीषा ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, 19, उसमें चिराग को डाउट है, 19 बस लास्ट क्वेश्चन है 19, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये बिगिनर बॉक्स 1 आप कंप्लीट करें, और अभी प्रैक्टिस सीट 1 ही की है ना, आज मैं प्रैक्टिस सीट 2 दूंगा, तो और कुछ इनइक्वालिटीज की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस से 2 भी कर सकते हैं, फिर कल भी आपकी क्लास है ना। हो गया टेंथ कंप्लीट, हो गया चिराग, आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 19th में क्या डाउट है आपको?
क्वेश्चन नंबर 19 हाँ चिराग क्वेश्चन नंबर 19 लिख रहा हूं मैं x+1/(x-1) होली स्क्वायर इज लाइक हाँ तो देखो यहां पर ध्यान से दो तरीके से कर सकते हाँ दोनों से आएगा आंसर देखो यहां वन है तो वन को इधर ले आओ उधर जीरो बनाओ सिंप्लीफाई करो आंसर अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये बोल रहे हो बोलना चाह रहे हो कि ऑलवेज पॉजिटिव है बिल्कुल होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव है लेकिन एक पॉइंट पे जीरो भी अगर मैं एक्स की वैल्यू वन ले लूं तो एक्स इक्वल टू वन पे जीरो है तो आप बोलो कि एक्स कैन नॉट बी वन और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्यों ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप लिख दो कि एक्स कैन नॉट बी एक्स इक्वल नॉट वन लिखकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते क्यों लिखना पड़ रहा है एक्स इक्वल नॉट वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर को ओपन क्यों करोगे चिराग अगर यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ओपन करोगे तो फिर जब बेबी कर्व लगाओगे तो वापस होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि लिनियर फैक्टर होते हैं यहां पर ओपन करने की जरूरत नहीं है एलसीएम लोगे तो उसके बाद कर लेना ऊपर डिनोमिनेटर में ओपन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं राइट चलो मैं करके बता दूं इसको किसी भी एक मेथड से भाई दोनों तरीके से हो सकता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ये तो मुझे कंफर्म है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होगा ठीक है नहीं कर अब कर देता हूं एक्स इक्वल नॉट वन समझ में आया कि x इक्वल नॉट वन क्यों लिखा कोई भी बता सकता है क्योंकि x इक्वल टू वन पर इनइक्वालिटी डिफाइन ही नहीं है जीरो हो रहा है डिनोमिनेट और मैं उसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर ठीक है x इक्वल वन ओके x प्लस वन इज लेस देन और स्क्वायर ओपन किया है यहाँ पर हाँ एक्स स्क्वायर को इधर लाए x 2x को इधर लाए x माइनस 2x x प्लस 2x 3 वन से वन कैंसिल कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स वन से माइनस एक्स कॉमन माइनस एक्स कॉमन ले लिया माइनस का मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज बस कैलकुलेशन जरूर देखें जीरो और थ्री दो ही क्रिटिकल पॉइंट है थ्री से लार्जर फोर पे पॉजिटिव तो मेरा आंसर माइनस इन्फिनिटी टू यहाँ भी पॉजिटिव टू जीरो यूनियन 320 हाँ क्या इसमें वन आ रहा है क्या क्या इसमें वन आ रहा है क्या ये वन है ही नहीं तो आंसर करेक्ट हाँ माइनस एक्स कॉमन लिया भाई माइनस एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस थ्री बचा क्या बोल रहे हैं हेमंत ओके कोई बात नहीं हाँ कैलकुलेशन देख लिया सभी ने समझ में आ गया इसमें वन आ ही नहीं रहा है अगर वन आता इसके अंदर कहीं भी तो हमें वन को एक्सक्लूड करके लिखना पड़ा ओके ओके हेमंत कोई बात ठीक है मैंने भी अंडरस्टैंड कर लिया मैंने समझ लिया कि आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आया है ना वन इसके अंदर नहीं आ रहा है तो बस यही आंसर वन इसके अंदर होता अगर तो उसको एक्सक्लूड कर राइट है ना तो मैंने थ्री क्वेश्चंस बताए डाउट में टेंथ बताया है नाइनटींथ बताया है और 27th बताया कुछ में आपसे मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक्स देखो जो सिली मिस्टेक्स होती है या कंसेप्चुअल मिस्टेक भी होती है वो प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे दूर होती है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे है ना तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करते रहूंगा आपको बिगिनर बॉक्स वन हो गया अब इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको लास्ट क्लास है ना अगर कोई दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं चलिए ये हो गया क्या
अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं. ये सभी का कंप्लीट हो गया 19. हाँ आयुष, मैं आज आयुष में इनइक्वालिटी की और प्रैक्टिस शीट दे दूंगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चिरा. चलिए हटा दूं मैं इसको. मैं आज इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस शीट 2 दूंगा और देख लूंगा अगर 2 में क्वेश्चन कम होंगे तो 3 भी दे दूं. ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट मॉडुलस. मॉडुलस, मॉडुलस को हम और क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू. मॉडुलस या एब्सोल्यूट है ना, मीनिंग मालूम है, सिंबल सबको मालूम है. ये सिंबल बताएं, मॉड ऑफ -3 क्या आएगा, 3 है ना, मतलब विदाउट साइन, ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव बोलना गलत है क्योंकि 0 भी आती है वैल्यू और आपने ऑलवेज पॉजिटिव बोल दिया तो ऑलवेज पॉजिटिव में 0 तो आएगा ही नहीं. आपको बोलना चाहिए ऑलवेज नॉन नेगेटिव. क्या बोलना चाहिए आपको, ऑलवेज नॉन नेगेटिव. 5 का 5, -6 का +6, पाई का -5 का +5, -e +e, 7/2 +7/2. समझ में आ रहा, ये समझ में आया क्या, मॉडुलस की वैल्यू 7/2 का 7/2. आप सोच समझ के देना आंसर. √2 -2 √2 -2. डेसिमल में नहीं देना, इसमें ही देना है. डेसिमल में नहीं लिखना है, इसी फिगर से यही होना चाहिए रूट में. √2 कैसे आएगा अकेला, 2 +√2 कैसे हो जाए प्लस. तो हाँ ये सही दिया तन्वी ने, आंसर सही दिया. नहीं तन्वी आपने तो ये का यही लिख दिया, ये का यही तो पॉसिबल ही नहीं है. अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, अभी तक किसी एक ने भी सही आंसर नहीं लिखा, इसलिए अब सुन लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. √2 की वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू क्या होती, 1.414 -2 1.414 -2 डेसिमल में नेगेटिव आ रहा है. ठीक है बिल्कुल, अब हर्ष मंगलम ने अब सही दिया, लेकिन आप नेगेटिव तो लिख नहीं सकते और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए. -3 है तो +3 आता है, वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाए. तो इसके है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 2 -2. ये समझ में आया क्या, हर्ष मंगलम ने आंसर सही दिया था और किसी ने सही नहीं दिया था. √2 -2 क्या हो जाएगा, 2 -2. क्या ये समझ में आया क्या कंसेप्ट, बात समझ में आई क्या. आपने भी यही दिया था, हो सकता मैं नहीं पढ़ पाया हूं, कोई इशू नहीं है ना. देखो क्लास परफॉर्मेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अब है ना, क्योंकि लाइव में तो दिख जाता है. ठीक है कि आप कैसे बैठे हुए है ना, तो इसमें भी क्या होता है कि जब 40 चैट्स एक साथ पढ़ना होती है तो मैं 40 कैसे पढ़ पाऊंगा, आप ही समझ सकते हो है ना. तो 3-4-5 चैट उसमें से पढ़ पाते हैं. तो परफॉर्मेंस के लिए टेस्ट है, आप उसमें 100 में से 100 मार्क्स लाओ मैथ्स में, दैट परफॉर्मेंस विल बी वैल्यूएबल. ओके, वो परफॉर्मेंस वैल्यूएबल रिटन फॉर्म में रहेगा, एलएन के पूरे रिकॉर्ड में रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, ये समझ में आ गया कि सबको.
समझ में आया क्या? मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ और पॉजिटिव भी हो। हाँ नेक्स्ट बताना, थ्री माइनस पाई मॉडुलस। चिराग कैसे लिख सकते हो थ्री माइनस पाई का? थ्री माइनस पाई नेगेटिव आ जाएगा, थ्री माइनस पाई लिखोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता मॉडुलस। बिल्कुल ज्यादा पाई माइनस थ्री, बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। सबको समझ में आया क्या? मॉडुलस का मतलब ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव है ना। तो देखो ध्यान से, मॉडुलस एक्स अब डेफिनेशन ध्यान से देखना, मॉडुलस एक्स इक्वल्स टू जो मॉड के अंदर जो एक्स है वो का वही बाहर कब कब आया है? देखना इतने एग्जांपल दिए, सेम बाहर कब कब आया? इसमें आया क्या सेम बाहर? मॉड के अंदर माइनस थ्री था तो क्या माइनस थ्री आया? नहीं आया, इसमें आया। मॉड के अंदर जो था वही बाहर निकल गया, मॉड के अंदर जो था वही बाहर निकल गया, इनमें नहीं आया। मॉड के अंदर जो था वही बाहर निकल गया, बाकी किसी में? तो किन किन में आया? मॉड के अंदर जो क्वांटिटी थी वो की वही बाहर कब आ गई? जब वो क्वांटिटी मॉड के अंदर वाली या तो जीरो हो या मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो या जीरो। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मॉड के अंदर का जो नंबर है वो या तो ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो तो वो का वही बाहर चला। बात समझ में आई क्या सबको? अब अगर मॉड के अंदर का जो नंबर है वो नेगेटिव है, मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो जो नंबर है वो का वही बाहर नहीं आता, उसमें माइनस लग के बाहर, उसमें माइनस लगकर बाहर आएगा। जैसे मॉड माइनस थ्री था, मॉड के अंदर का नंबर माइनस थ्री है, वो का वही बाहर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, माइनस थ्री तो आया नहीं, आंसर तो प्लस थ्री। अगर उसमें बाहर माइनस और लगा दे तो वो प्लस थ्री हो जाएगा। तो अगर x नेगेटिव है तो मॉड x में जो मॉड के अंदर नंबर है वो कैसे बाहर आएगा? माइनस के साथ। बात समझ में आ गई क्या? मॉड x अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो मॉड हटा दो और सीधा x ले। लेकिन अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव, जैसे इस केस में, इस केस में, इसमें, इसमें, कैसे बाहर आएगा? जैसे इसमें देखो, आप सोच रहे थे कि कैसे लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा, मॉड के अंदर का नंबर देख लिया कि नेगेटिव है तो बाहर निकालने के लिए क्या कर दो? माइनस बाहर लगा दो। अब माइनस का अंदर इनटू कर दो तो ये टू पॉजिटिव हो गया और रूट टू नेगेटिव। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? डेफिनेशन क्लियर सभी को? क्लियर। अब देखो, अगर हम इसको फंक्शन मान ली y इक्वल टू मॉड एक्स, y से डिनोट कर दिया मॉड एक्स को, तो केस तो वही रहेंगे। ठीक है, डिनोट। अब मैं बोलूं इसका ग्राफ बना दो, बिल्कुल बना देते हैं। ये x और ये ग्राफ बना दे, तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू x, तो x जीरो है तो y की भी जीरो हो गई वैल्यू, ये पॉइंट आ गया जीरो जीरो। जब x वन लेंगे तो y भी वन आ जाएगा, वन वन। x टू लेंगे तो y भी टू आ जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसका को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू जीरो पे जीरो, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल भी इससे जाएगी तो 45, राइट। अब जब x नेगेटिव है तो x की वैल्यू माइनस वन रखी, x की वैल्यू माइनस वन रखी, यहाँ x की जगह माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन, y की वैल्यू प्लस। जब x की वैल्यू माइनस वन तब y की वैल्यू प्लस वन, जब x की वैल्यू माइनस टू तब y की वैल्यू प्लस टू। इस लाइन की इक्वेशन हम लिखना चाहें तो y = -x। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ याद रखोगे v,
एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता, क्यों नहीं आता? एक्स एक्सिस के नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। वाई 45 डिग्री मिडिल में जा रही है भाई, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 बाइसेक्टर है उसका। और भी रीजंस हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी होता, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी, विक्ट्री का साइन, ठीक है। और एक्स एक्सिस के नीचे आएगा ही नहीं ग्राफ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, मॉड एक्स कभी नेगेटिव होता नहीं। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। अभी कोई नीड नहीं है वैसे उसकी, अगर आप नहीं भी मेंशन करो कि 45 डिग्री का एंगल है तो अभी इस स्टेज पे हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके कंप्लीटेड, रफ करूं। वेट, यस ईशान, आई एम वेटिंग। 2 मिनट चाहिए दिव्यम को, ठीक है 2 मिनट ले लो दिव्यम। अश्वेत, वंस मोर वाली कोई बात ही नहीं, ऐसा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आप वंस मोर बोलो। आप ग्राफ कैसे बनाते हो अश्वेत? आप किसी भी चीज का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हो? 10th में ग्राफ कैसे बनाया कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू रख के वाई की निकाल लो? वही मैंने किया कि एक्स वन रखा तो वाई भी बना गया, एक्स वन रखा तो वाई भी बना गया, एक्स टू रखा तो वाई भी टू आ गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर एक्स माइनस वन रखा, एक्स ये माइनस वन है तो उस पर वाई, एक्स माइनस वन रखने पर वाई वन आया, ये वन आ गया, एक्स माइनस टू रखने पर ये लाइन है, ठीक है। इसमें चलिए नोट करें सभी लोग, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना ध्यान, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, अभी बता चुका हूं। मोड एक्स एक्स कब आता है? इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बता चुका हूं ये मैं। मोड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सेकंड, मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। दोनों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझ में आएगा। थर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी जरा ध्यान से देखो, किसी भी रियल नंबर का, और यहां लिख देता हूं फॉर ऑल, ऊपर स्टैटिक कर रहा हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर्स के लिए बात कर रहा हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर्स एक्स के लिए प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ऑल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, राइट।
तो थर्ड प्रॉपर्टी, कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर और उसके मॉडुलस का स्क्वायर दोनों इक्वल होता है। कोई भी लेके देखो, जीरो ले लूंगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड जीरो। फिर वन लिया, वन का स्क्वायर वन, मॉड वन वन, वन का नेगेटिव के लिए भी ट्रू है। माइनस थ्री लिया, माइनस थ्री का स्क्वायर नहीं, और इधर माइनस थ्री लिया उसका मॉड किया तो प्लस थ्री और उसका स्क्वायर नहीं। बात समझ में आ गया क्या? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर और उसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल। तो अब स्क्वायर क्या, कोई भी इवन पावर ले लो, x की पावर 4 लोगे, x की पावर 6, x की पावर 8, तो x की पावर 8 इक्वल टू मॉड ऑफ x टू द पावर 8 इक्वल हो। बात समझ में आ गई क्या? थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? फोर्थ, फोर्थ देखे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कब आएगा? जब एक्स पॉजिटिव हो, ठीक है? और अगर एक्स, मतलब एक्स पॉजिटिव होगा तब भी यही आएगा, नेगेटिव होगा तब भी यही आएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। हाँ, ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। अंडर, ईशान जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो ध्यान से देखो, सुनो, जो छूट गया उसको जाने दो अभी, ठीक है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? क्यों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? अगर मैंने 5 लिया, 25 है, तो 25 को आप ऐसा लिख सकते हो, प्लस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो और माइनस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब आप अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, जो कि गलत है। स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर ये माइनस 5 का स्क्वायर लिख गया तो आप आंसर माइनस 5 लिख दो, नहीं लिख सकते, इसलिए मॉड लगा दो तो प्लस में आए। समझ में आया? तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, नेवर एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड एक्स। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट, किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस और उसके नेगेटिव का मॉडुलस इक्वल हो, किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस और उसके नेगेटिव का मॉडुलस इक्वल होता है। कोई सी भी आप नंबर लेकर देख सकते हो, आप 5 लोगे तो 5 का मॉडुलस 5, और इधर माइनस x की जगह 5 लिया तो ये माइनस 5 हो गया, माइनस 5 का मॉडुलस भी 5 इक्वल हो गया। प्लस 5 का भी माइनस 5 ले लोगे, नेगेटिव 0 के लिए भी ट्रू, सबके लिए ट्रू, सारे रियल नंबर्स के, ठीक है? फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस उस रियल नंबर के इक्वल होता है या फिर ग्रेटर हो, किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस उस रियल नंबर के या तो इक्वल हो जाएगा या ग्रेटर होगा। तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल, कभी लेस नहीं होता। क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव लिया आपने, एक्स 5 लिया, तो 5 का मॉड लेफ्ट हैंड साइड 5 और राइट हैंड साइड भी 5, तो इक्वल हो गया, तो इक्वल आ गया एक्स पॉजिटिव। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो, जैसे एक्स माइनस 3 लिया, राइट हैंड साइड माइनस 3, तो माइनस 3 का मॉड तो प्लस 3 हो गया और ये माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस 3 से क्या है, ग्रेटर। तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स कब होगी, जब एक्स पॉजिटिव होगा या जीरो, और मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स कब होगी, जब एक्स नेगेटिव। तो एक्स, समझ में आया? इसलिए मॉड एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल। सेवेंथ प्रॉपर्टी, मॉड एक्स टू दी पावर एन, मॉड के अंदर है पूरा एक्स टू दी पावर एन, अगर इसको एन को पावर के ऊपर ले जाओ तो एन क्या ले लेना चाहिए हमें, नेचुरल। एन अगर नेचुरल नंबर है तो पावर, क्योंकि मैं यहां एक्स सभी रियल नंबर की बात कर रहा हूं,
जैसे कुछ केसेस में इंटीजर के लिए भी ट्रू हो जाएगा, जैसे यहाँ माइनस थ्री होता है एक्स की पावर माइनस थ्री, तो क्या लिखोगे आप मॉड एक्स की पावर माइनस थ्री, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की पावर में माइनस थ्री है ना, तो मॉड एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आएगी कि अब अगर किसी ने एक्स को जीरो ले लिया, क्योंकि सभी रियल नंबर ले सकते हो, तो अगर एक्स को जीरो लोगे तो फिर ये जीरो की मॉड जीरो की पावर माइनस थ्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में? इसीलिए मैंने क्या लिख दिया कि अगर एक्स सारे रियल नंबर लो तो पावर नेचुरल नंबर ले लो सबके लिए डिफाइन, ये प्रॉपर्टी सभी रियल एक्स के लिए डिफाइन हो जाएगी अगर मैंने पावर एन को नेचुरल। समझ में आया क्या? है ना, तो फर्स्ट सेवन प्रॉपर्टी मॉडुलस की फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मैंने लिखी है, नोट कर लें इनको। समझ में आ गया क्या है तक? ठीक है चलो, अब नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी पर आते हैं। ये रफ कर रहा हूं मैं, हो गया सभी का? ओके। लेखिका एक्सप्लेन फिफ्थ, क्यों आपका ध्यान नहीं था क्या? देखो लेखिका, अरे किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस और उसके नेगेटिव का मॉडुलस इक्वल होगा। आपने एक्स थ्री लिया तो थ्री का मॉडुलस थ्री आ गया, और यहाँ अगर एक्स थ्री लिया तो माइनस थ्री का मॉडुलस भी थ्री आएगा, दोनों इक्वल है। अब अगर एक्स नेगेटिव ले लिया तो माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री का मॉडुलस भी थ्री, और यहाँ माइनस माइनस प्लस थ्री हो गया, थ्री का मॉडुलस भी थ्री। तो किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस और उसके नेगेटिव का मॉडुलस हमेशा इक्वल। अब क्या एक एक्सप्लेन करो तो सब बोले सर फर्स्ट कर दो सेकेंड कर दो, बस यही कर दो फिर, ठीक है? चलिए ठीक है, एक बार स्टडी कीजिए सभी की सातों पॉइंट की, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हर चीज को मैंने दो दो तीन तीन बार एक्सप्लेन करके ही लिखा। अगर किसी पर्टिकुलर, सुनो यहाँ पर ध्यान से बच्चों, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस समय आपका अगर नेटवर्क इश्यू होता है तो क्लास में लिखने की बजाय आपके पास रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। क्योंकि देखो क्लास में अभी मैं आपको देख के बताता हूँ, 61 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड एवरी मिनट किसी ना किसी का नेटवर्क जा रहा है। समझ में आया क्या? तो हर मिनट में अगर रिपीट अगेन लिख देगा कोई भी तो मैं तो फिर वहां का वहीं रहूंगा हमेशा। समझ में आएगा ईशान? तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है ईशान, नहीं आएगा तो कल मैं डाउट क्लास में बता दूंगा, पहले आप देखना एक बार। अब नेक्स्ट, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो रियल नंबर ले लिए एक्स और वाई तो उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस हमेशा उनके मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस हमेशा उनके सेपरेट मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कोई भी दो रियल नंबर लेके चेक कर लो, एनी टू, जैसे x को 3 लिया और y को माइनस टू, तो माइनस सिक्स का मॉडुलस प्लस सिक्स, x को 3 लिया तो मॉड 3, 3,
और इसको माइनस टू लिया तो माइनस टू का मॉडुलस प्लस टू, थ्री इंटू टू सिक्स, लेफ्ट हैंड साइड भी सिक्स राइट हैंड, दोनों नेगेटिव लो, दोनों पॉजिटिव लो, एक को पॉजिटिव लो, एक को नेगेटिव लो, एक को जीरो लो, एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, एक को जीरो, कुछ भी लो फॉर ऑल एक्स वाई राइट। समझ में आया कि सबको? पहला पॉइंट मॉड एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई, टू नंबर्स के रेशियो का मॉडुलस, तो मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा दोनों पे, बस एक कंडीशन होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। भाई डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो सेपरेट क्या होगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो मॉड एक्स और मॉड वाई सेपरेट हो सकता, बस वाई जीरो, और मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं, वाई जीरो भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई तो मॉडुलस सेपरेट हो जाता है दोनों पर और उनका प्रोडक्ट हो जाता है मॉड एक्स इंटू मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब हम नेक्स्ट मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन, एन इक्वेशन, अरे अम्मा याद नहीं करना, क्वेश्चन करते करते अप्लाई करना सीखना, ठीक है, क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिकली याद हो जाते भाई, जब आप थ्योरी पढ़ो तो डेफिनेटली एक बार देखो सारी प्रॉपर्टी, फिर उनको कोई अपने को दूसरे सब्जेक्ट की तरह कोई लर्न नहीं करना होता, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्लिक करना होती है कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई, ठीक है आर्यमा। हाँ मॉडुलस इक्वेशन, चलिए मॉडुलस इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच कंटेन वन और मोर मॉडुलस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन समझ में आई क्या डेफिनेशन, एन इक्वेशन which contains one or more modulus of an equation which contains one or more modulus of variables is called modulus equation, is called मॉडुलस एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन और मोर मॉडुलस ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड मॉडुलस इक्वेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा मॉड एक्स इक्वल टू टू, दिस इज अ मॉडुलस इक्वेशन, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, दिस इज ऑल्सो अ मॉडुलस इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स, दिस इज अ मॉडुलस इक्वेशन, mod of x minus 3 equal to 11 modulus equation, mod of x minus 1 plus 1 equal to 4 modulus equation, mod of x plus mod of x minus 2 equal to 3, this is also a modulus equation। तो ये मैंने 6 example लिखे, कितने भी example लिख सकते हैं modulus equations, जिसमें एक या एक से ज्यादा modulus हो, एक या एक से ज्यादा modulus हो variables। और ये मैंने सारे एग्जांपल वेरिएबल एक्स में लिखे, कोई जरूरी नहीं वेरिएबल एक्स में लिखो, किसी भी वेरिएबल में लिख सकते, मॉड ऑफ वाई माइनस थ्री इक्वल टू 81, दिस इज आल्सो अ मॉडुलस इक्वेशन इन वेरिएबल वाइज, मॉडुलस इक्वेशन समझ में आया क्या? हाँ मोहम्मद, सेकंड वाला फॉल्स नहीं है, इक्वेशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है,
फॉल्स क्या है, मैंने तो मॉडुलस इक्वेशन के एग्जांपल लिखे हैं, तो ये भी मॉडुलस इक्वेशन, बट इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई। बात समझ में आ गई क्या? सेकंड वाले, चलिए नोट कर लिया कि सभी ने मॉडुलस इक्वेशन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ एन मॉडुलस इक्वेशन, तो मॉडुलस इक्वेशन क्या, कोई सी भी इक्वेशन हो उसके सॉल्यूशन की डेफिनेशन एक ही होती है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, कोई सा भी इक्वेशन हो उसके सॉल्यूशन की डेफिनेशन वही होगी, चाहे मॉडुलस इक्वेशन हो, चाहे लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, किसी भी टाइप का इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन की डेफिनेशन एक ही होती है। तो क्या होगी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें सॉल्व कर। हो गया सभी का? हाँ बच्चे, अब हम कुछ मॉडुलस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, कुछ मैं मॉडुलस इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक तो ये ले लेता हूँ सॉल्व। हाँ, कर सकते हैं सॉल्व। देखो यहाँ ध्यान से, है तो ये मॉडुलस इक्वेशन, लेकिन ऐसे मॉडुलस इक्वेशन है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं। क्यों नहीं है, रीजन बताओगे? किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस नेगेटिव 3 माइनस 3 नहीं आ सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड इज नेगेटिव, तो बोथ कैन नॉट बी इक्वल। समझ में आया क्या फर्स्ट? ठीक है, both cannot be equal, so this equation has no solution, so no solution लिख दो। और अगर solution set लिखना हुआ तो x belongs to phi, phi मतलब null set होता, no solution मतलब solution set क्या आएगा, phi। there is no value of x will satisfy this equation, this modulus equation, right? हाँ, second का answer, second का solution set phi, obviously phi, किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं आ सकता, नल सेट। थर्ड इज आल्सो, ये मॉडुलस है वो माइनस वन दिया है। ठीक है, समझ में आया कि सबको? अब देखें ध्यान से, या मॉड एक्स इक्वल टू टू इसको सॉल्व करना है, मॉड एक्स इक्वल टू टू। देखो इसमें तो कोई मेथड ही नहीं लगाई, ऐसे ही बोल दिया मॉड एक्स इक्वल टू टू, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो ध्यान से देखो, अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है, तो आप मॉड हटाएंगे दोनों साइड तो क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। अगर लेफ्ट हैंड साइड से मॉड हटाएंगे तो राइट दोनों क्या लगाएंगे, मॉड हटाने के बाद प्लस माइनस। बस लेकिन कांस्टेंट है वो, तो अगर यहाँ मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से मॉड हटाते और वहां प्लस माइनस लगाते, नहीं, एक्स होता एक्स माइनस टू होता तो ऐसा नहीं होता। एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस टू, दीज आर द टू सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई क्या? मॉड एक्स इक्वल टू टू हो तो मॉड हटाएंगे
प्लस लगाएंगे और माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस। समझ में आया क्या? सो दिस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस, प्लस टू एंड माइनस, राइट। लेकिन कांस्टेंट हो तो ही कर सकते हैं। अब जैसे और एग्जांपल ले लो इधर से, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 11। तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, मॉड हटा दो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या ले लो? प्लस माइनस। अब एक्स इक्वल टू थ्री को उधर ले जाओ, प्लस माइनस। जब प्लस साइन लोगे तो 14, 3 प्लस 11 14, माइनस साइन लोगे 3 माइनस 11 माइनस 6। समझ में आया क्या? लेकिन ये केवल किसमें कर सकते हैं? मॉड हटाकर प्लस माइनस लगाना, जब राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो, दूसरी साइड कांस्टेंट हो। अब एक क्वेश्चन ये सेवेंथ और कर सकते हैं, ये मॉड ऑफ y माइनस थ्री इक्वल टू 81। तो मॉड हटाएंगे, y माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस 81, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 81 प्लस 3, प्लस लेंगे तो 84, माइनस लेंगे तो माइनस 81 में से 3 गया, माइनस 78 79 माइनस 78 ही आएगा ना। समझ में आया क्या? तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गए, तीनों मॉड्यूलस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया। लेकिन कंडीशन एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का मॉड्यूलस हो और राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो, तभी मॉड हटाकर वहां प्लस माइनस लेंगे, राइट। तो देखो, ये मैं एग्जांपल रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर चुके हैं ना ये एग्जांपल्स, सबको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये डबल मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन भी देखो, ये फिफ्थ, ये इधर से जो फिफ्थ है इधर नंबर पे सेवंथ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन इक्वल टू, मैं इनको रफ कर देता हूं, ठीक है। मॉड ऑफ सबसे पहले ये वाला मॉड हटा, ये मॉड हटाएंगे राइट हैंड साइड देख ली कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस फोर। ये समझ में आया क्या? मॉड हटाया, राइट हैंड साइड देख लिया कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस फोर, राइट। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये वन उधर गया, 4 माइनस, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 4 माइनस वन 3, और दूसरा केस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस 4 माइनस वन माइनस 5। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल मतलब नो सॉल्यूशन, इसमें से कोई सॉल्यूशन नहीं। अब इधर से फिर वही बन गया, मॉड हटाया इधर कॉन्स्टेंट है प्लस माइनस 3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 1, एक्स इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 4 कॉमा माइनस 2 3 प्लस 1 4 माइनस 3 प्लस 1। ये कौन, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ध्यान ना देते हुए चैट में बिना बात की चीजें लिख रहा हूं। दिशा, दिशा मैंने आपको बोला है कि जितने भी एग्जांपल लिखे थे मैं सब सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। पॉइंट समझ में आया क्या? तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान दो पहले, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करो, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है बेटा। चैट में लिखने की बजाय मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर फोकस करो, हाँ। नोट कर लिए कि ये सभी क्वेश्चन, ये डबल मॉड्यूलस वाला भी समझ में आया क्या, कैसे किया हमने? अब देखो, ठीक है,
हो गया सभी का, रफ कर दूं। तो अभी हम कहने का मतलब एक मेथड पढ़ चुके हैं, एक मेथड मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड देखा। कौन सा मेथड देखा? कि मॉड हटाओ। लेकिन वो मेथड हर क्वेश्चन में नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि हर क्वेश्चन उस तरह का नहीं आएगा कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पूरा मॉड में हो और राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये पहला क्वेश्चन कराया, मॉड एक्स इक्वल टू टू, राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट था, तो आपने मॉड हटाया और क्या लगा दिया? प्लस माइनस। इसको आप चाहो तो क्या बोल सकते हो? फर्स्ट मेथड है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड। क्या किया आपने? लेकिन ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में तो ऐसा होगा नहीं कि राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट ही होगा, राइट? अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड से करेंगे, कुछ क्वेश्चन में सेकंड मेथड लगाना। हाँ, सेम क्वेश्चन ले, मॉड एक्स इक्वल टू टू, तो आंसर भी सेम ही आएगा वो, लेकिन मेथड देखना। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है क्या? यस, दोनों साइड अगर पॉजिटिव हो देन वी कैन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड मैंने चेक, अगर एक साइड पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो हम स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते। बोथ साइड मस्ट बी ऑफ सेम साइन, देन वी कैन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो अभी दोनों साइड मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करें दोनों साइड। हाँ अरे अम्मा, ध्यान दें, अब जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी वो कैसे अप्लाई होती? किसी भी रियल नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर और उस नंबर का स्क्वायर दोनों इक्वल होता है। प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ही बात। तो वो अप्लाई कर दी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। नहीं आर्यमा, आपने उस समय पूछा था ना मुझसे कि ये प्रॉपर्टी सारी याद करना है, तो मैंने ये बता रहा हूँ कि किस तरह प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया क्वाड्रेटिक। टू स्क्वायर को इधर ले आओ, फैक्टर कर लो, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू माइनस टू और इधर से आएगा। सेकेंड मेथड समझ में आई क्या? स्क्वेयरिंग कर सकते हैं हम दोनों साइड, कभी भी कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। ठीक है, लेकिन देखना स्क्वेयरिंग वैलिड कब होगी? जब दोनों साइड सेम साइन। ये मैं इसी क्वेश्चन को करने की डिफरेंट मेथड बता रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये, जब ये क्वेश्चन आए तो आप सेकंड मेथड लगा। वही मैं बता रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन हम कितनी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट मेथड चूज करना होगा। ठीक है क्या? तो पहली मेथड, लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड बताई जिसमें हम मॉड हटा के प्लस माइनस लगाते हैं, वो हर क्वेश्चन में वैलिड नहीं। क्यों नहीं है? कांस्टेंट नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते, कांस्टेंट ही होना चाहिए। ले सकते हो इसके रूट, ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हो इसके रूट, इसके बाद इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके रूट लेंगे तो देखो, इस अब स्क्वेयर रूट अगर लोगे तो देखो रिवर्स ऑपरेशन कैसे लगा सकता, तो फिर स्क्वेयरिंग क्यों किया? अगर स्क्वेयर रूट लोगे तो यही आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा वापस। ठीक है, अगर भाई अगर स्क्वेयर रूट लेना था तो स्क्वेयरिंग क्यों की? अगर स्क्वेयरिंग करो फिर स्क्वेयर रूट लो, फिर स्क्वेयरिंग करो फिर स्क्वेयर रूट लो, तो फायदा क्या है? ठीक है, समझ में आया? स्क्वेयर रूट लेंगे तो वापस मॉडुलस में आए। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड मेथड समझ में आया? अभी मैं बोल रहा हूं मेथड देखते जाएं, ज्यादा चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, मेथड समझते जाएंगे। भाई इस क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से भी आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से। अब चॉइस आपकी है कौन सी अप्लाई करना, जिससे जल्दी आएगा वो अप्लाई करोगे। ओके, दो मेथड।
अब एक और मेथड है, वो भी देखो ध्यान से, और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हम किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में तीनों मेथड लग जाए, लग भी सकते हैं नहीं भी लग सकते हैं, उसके लिए मेथड, जैसे अगर मॉड एक्स इक्वल टू माइनस टू होता है तो नहीं लगा सकते थे स्क्वेयरिंग, सीधा लिखना पड़ता नो सॉल्यूशन, किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके चलिए नोट कर लिया क्या सभी ने? अब देखो सेम क्वेश्चन हम थर्ड मेथड से कर रहे हैं, थर्ड मैथ, हाँ मॉड एक्स इक्वल टू टू एक्स निकालना है जो उसको सेटिस्फाइड है। तो देखो मॉड किस पर है, एक्स पर मॉड, जिस वेरिएबल पर, जिस वेरिएबल पर मॉड हो उस वेरिएबल को जीरो से इक्वेट। अब यहां पर एक्स था, अगर जैसे यहां माइन एक्स माइनस वन होता तो एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करते तो एक्स इक्वल टू वन निकलता, यहां पर क्या निकलेगा x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट आया, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट किया, ये जीरो, तो नंबर लाइन को इस जीरो ने, ये समझ में आया जीरो कहां से लाए, मॉड के अंदर जो भी नंबर है वेरिएबल है उस पूरे को जीरो से इक्वेट किया, तो x ही था मतलब x को जीरो से इक्वेट किया तो x इक्वल टू जीरो आया, जीरो को नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो जीरो ने पूरे नंबर लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक ये पार्ट और एक ये, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये पार्ट इसको बोलेंगे x लेस देन जीरो, ये पार्ट इसको बोलेंगे x ग्रेटर देन जीरो, और इक्वल टू जीरो भी इंक्लूड कर दो, दो की पहला केस x लेस देन जीरो और x नेगेटिव हो सकता, कोई भी रियल नंबर या तो नेगेटिव होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, समझ में आया? फिर से सुने, मॉड के अंदर की क्वांटिटी को जीरो, कुछ क्वेश्चंस में यही लगाना पड़ेगी इसलिए ध्यान से सुने, मॉड एक्स इक्वल टू टू तो हमने क्या किया, मॉड के अंदर की क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट किया, हाँ क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, उससे जो एक्स निकलेगा वो जीरो, उसको ही हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते, जैसा कि उसमें वेविकर मेथड में बोलते थे सेम क्रिटिकल, ठीक है। अब सुने ध्यान से, यहां पर जीरो ने नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट थे एक्स लेस देन जीरो, दूसरा पार्ट आ गया एक्स ग्रेटर देन जीरो, और उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन में इसके लिए सेम डेफिनेशन है, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी लेस और इक्वल टू जीरो, हाँ जब एक्स नेगेटिव होगा, ध्यान देना अब यहां, जब एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स माइनस एक्स से ओपन होता है, पता है क्या सभी को, If x is negative, then mod x will be minus x. Everyone knows. If x is negative, then mod x equal to minus x. Yes, mod x से की जगह minus x. We have to find x, x equal to minus. अब check करो, इसका जो case में जो condition लिखी थी और जो solution आया वो satisfy होता है नहीं? Minus 2 जो आया, क्या minus 2 negative है? X की value minus 2 less than 0 होती है? Yes. तो इस case में सॉल्यूशन आ गया माइनस। अब दूसरे केस की बात करें, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स आ, अब एक्स इक्वल टू टू आ गया, क्या ये एक्स इक्वल टू टू, क्या ये एक्स इक्वल टू टू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ट्रू, यस। पहले केस में x की वैल्यू माइनस टू आई, दूसरे केस में x की वैल्यू प्लस टू आई, तो माइनस टू, दोनों केस का यूनियन कर दिया तो माइनस टू कॉमन, दिस इज द थर्ड। टू क्रिटिकल पॉइंट हो तो उतने केस बनाएंगे, ज्यादा केस बनेंगे, जैसे ये जीरो, एक और क्रिटिकल पॉइंट होता वन, तो केस कितने बन जाते, वन टू थ्री, थ्री केस बन जाते, ठीक है। एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो केस ज्यादा बन जाएंगे,
और फिर जो केस में जो कंडीशन है, कंडीशन और जो एक्स निकलेगा उनका इंटरसेक्शन होगा, और फिर सारे केसेस में जो जो आंसर्स आए उनका यूनियन होगा। हो गया क्या? ये नोट करो अभी जल्दी से जल्दी। हो गया सभी का? हाँ दिव्यम लिख लो जल्दी से, ज्यादातर स्टूडेंट्स का हो गया है। अभी सुनो, कुछ लोग जरूर जितने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उतना लगाते हैं, वो सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है ना। कुछ लोग इतना दिमाग लगाते हैं जैसे उनको कल ही जाइए एडवांस के एग्जाम देने जा, सीखने की वजह फालतू की चीजों में ज्यादा दिमाग लगा। अरे पहले मुझे 10-15 एग्जाम्पल करा तो लेने दो, तब अपने आप ही पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगाना है। ठीक है, जब आप 15-20 एग्जाम्पल देख लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगाना है। ठीक है, तो जब मैं बोलूं, जब भी मैं कोई टॉपिक चालू करूं तो 2-3 लेक्चर तक तो केवल सुना करो, आपके 99% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूं तो आपको 1-2 लेक्चर तक केवल सुनो, कुछ मत लिखो चैट, आपकी 99% गारंटी ले रहा हूं, 99% प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। बचेगी 1% वो आप डाउट में पूछ लेना, मैं सॉल्व कर दूं। लेकिन अगर आप उसको सुनने की जगह बार बार चैट में लिखोगे, बार बार पूछोगे, जब भाई मैं कंप्लीट कर दूं, जब मैं बोल दूं कि आप मॉड्यूल्स कंप्लीट हो, अब आपके जो डाउट है वो बता कि क्या क्या चीज समझ में नहीं, दैट इज पॉइंट। ठीक है ना, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपको? आज मॉड्यूलस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब दिशा, दिशा पाटीदार ने एक वो एग्जांपल, मैंने 7-8 एग्जांपल दिए थे जो मॉड्यूलस इक्वेशन के, तो उसमें थर्ड क्वेश्चन के लिए परेशान हो रहे थे, बार बार चैट में लिख रहे थे कि सर थर्ड बता दो, थर्ड बता दो। अब बता देता हूं मैं। ठीक है दिशा, हाँ दिशा देखेंगे क्वेश्चन में लिख देता हूं, यही था मेरे ख्याल से क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, दिशा यही था क्वेश्चन। हाँ सुनो ध्यान से यहां पर, तो देखो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर और उसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल हो, तो यहाँ x स्क्वायर है तो इसकी जगह में मॉड ऑफ x स्क्वायर लिख लिया। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा? हाँ तो सुनो ध्यान से, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा लिख लेने से अब ये मॉड x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अरे पॉइंट समझ में आया क्या मेरा? x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0 था, तो मैंने x स्क्वायर की जगह मॉड ऑफ x स्क्वायर लिख लिया क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, आज ही लिखा ही है मैंने, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर उसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल होता है, तो रियल नंबर एक्स स्क्वायर के प्लेस पर मॉड ऑफ एक्स। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स में अभी नहीं थी, ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं थी, अब बन गई। क्या समझ में आया क्या? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, इसमें किसी को कोई डाउट? अब अगर आपको समझना नहीं आता है मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई फैक्टर करना, तो आप चाहो तो मॉड एक्स को टी मान लो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मान लिया ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट करने में, कोई जरूरत नहीं थी वैसे टी मान, नहीं डायरेक्ट लिखते मॉड एक्स माइनस 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब पहले फैक्टर को 0 से इक्वेट किया, दूसरे फैक्टर को 0 से इक्वेट, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t क्या है? अपने को तो x निकालना है, t तो हमने मन से माना, t तो था ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। x इक्वल टू मॉड हटाएंगे, कॉन्स्टेंट है प्लस माइनस 2, अब थोड़ी इसकी स्क्वेयरिंग करके करेंगे इतना बड़ा, राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है, मॉड हटा दिया प्लस माइनस 2, यहां से भी मॉड हटा दिया प्लस माइनस 3, 4 सॉल्यूशंस आ गए,
कौन कौन से फोर सॉल्यूशन आए, माइनस टू प्लस टू माइनस थ्री प्लस थ्री, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते। दीज आर द फोर सॉल्यूशन। निशा समझ में आया क्या, है ना? दीज आर फोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन माइनस टू प्लस टू माइनस थ्री प्लस थ्री। जल्दी नोट करें तो इसी क्वेश्चन को मैं एक केस बना के भी करके बताता हूं। अच्छा वेट करना है ईशान आचार्य, तो फिर कल ही हो पाएगा, फिर दूसरा मेथड। हो गया क्या सबका? हो गया। चलो दूसरा मेथड थोड़ा सुनेंगे ध्यान से, रफ कर दूं इसको, आंसर तो यही आएंगे उससे भी। केस बनाने की बात की मैंने, केस किसके लिए बनाते हैं? मॉडुलस के लिए बनाते, मॉडुलस के लिए बनाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखें मॉड इस पर है, उस पर तो है ही नहीं, केवल इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट किया तो एक्स इक्वल टू जीरो, दो केस आए, जीरो से लेस और जीरो से ग्रेटर वाले, है ना? पहला केस एक्स लेस देन जीरो और दूसरा केस यही लिख देता हूं एक्स ग्रेटर देन और इक्वल। जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो मॉड एक्स, इस एक्स स्क्वायर में तो कुछ भी नहीं करना, माइनस फाइव, मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा। दूसरा केस जब एक्स पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड लगा रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव होगा तभी ये कंडीशन, इसके साथ ही ये लिख सकते एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स। हाँ इतना समझ में आया कि सबको? कुछ भी नहीं किया, जो अभी मेथड बताई थी केस बनाने वाली वही किया, ठीक है? अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो, इसको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, फैक्टर करें एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स की दो वैल्यू आ गई माइनस टू माइनस, चेक करेंगे ये माइनस टू माइनस थ्री दोनों इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या? यस दोनों कर रही है, तो इस केस में ये दोनों सॉल्यूशन। अब एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू टू कॉमा थ्री, क्या ये टू और थ्री इसको सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है, टू भी जीरो से ग्रेटर थ्री। फाइनल आंसर लिखना है दोनों केसेस का यूनियन, इस केस का और इस केस का यूनियन, तो सॉल्यूशंस आर माइनस टू माइनस थ्री प्लस टू प्लस, ठीक है? दोनों केसेस का क्या किया, इस केस से जो दो सॉल्यूशन आए, इस केस से जो दो सॉल्यूशन, उनको कंबाइन करके लिख दिया, यूनियन कर दिया। दिशा समझ में आया क्या? दोनों मेथड से समझ में आया? अब चॉइस हमारी है, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए, है ना? तो अभी कल के असाइनमेंट में मैं एक प्रैक्टिस शीट ग्रुप पर शेयर करूंगा, वो प्रैक्टिस शीट करना है, वो वेविकर मेथड पर बेस्ड होगी, है ना? मॉडुलस पर बेस्ड नहीं होगी। मैं कल मॉडुलस इक्वेशन के और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं मॉडुलस की प्रैक्टिस शीट। Is it clear? तो अभी मॉड्यूल्स में जो पढ़ाया बस वही थ्योरी रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, और मैं एक असाइनमेंट इनइक्वालिटीज का दूंगा वो करना। ओके बाय, सी यू, कल कंटिन्यू करेंगे।